Assalamu alaikum. I am Mariam Khan, RDN, working as a diet and nutrition coach at PRC. आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में. ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके बारे में हम वीकली एक ऑडियो सेट कर लिया करें, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी. आज बेसिकली मैं टच करूँगी जनरल गाइडलाइंस, जो कि अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए. फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे तो स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे. सबसे पहले तो ये कि कितने लेवल ऑफ ग्लूकोज आपके बॉडी में है, तो वो हायर है. मैं आपको वो वैल्यूज़ गाइड करूँगी. और उससे भी पहले ये कि डायबिटीज़ है क्या. डायबिटीज़ हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं प्रोसेसेस में, जिसमें हमारी बॉडी ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना बंद कर देती है, और ग्लूकोज एज इट इज़ हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर मौजूद रहता है, और वो हमारे बॉडी पे बुरे इफ़ेक्ट्स डाल रहा होता है. इन इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे अपनी अगली ऑडियो में, पर आज मैं ज़रा बेसिक्स पे रहना चाहती हूँ. तो सबसे पहले ये कि कितना ब्लड शुगर लेवल है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह ज़्यादा है और हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है. अगर फास्टिंग में आप चेक करते हैं, फास्टिंग हम कहते हैं सुबह के टाइम खाना खाने से पहले कुछ भी और पानी पीने से भी पहले, यानी ऑलमोस्ट 8 घंटे का गैप जब आया हो खाए पिए खाली पेट के होते हुए, तो आपका वैल्यूज़ अगर 130 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, आप 130 याद रखिए, इससे ज़्यादा हैं या इतने तक भी हैं तो ये हाइपरग्लाइसीमिया है. इससे नीचे होना इज़ ओके. और अगर आप पोस्ट प्रेंडियल, जिसे हम कहते हैं 2 घंटे खाने के बाद, चेक करते हैं और आपकी वैल्यूज़ 180 तक हैं और उससे ऊपर जा रही हैं, दैट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया. आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा अरसे तक रहना या ऑफ एंड ऑन होता रहना आपके जिस्म के बाकी ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं है. तो अब आज आ जाते हैं बेसिक गाइडलाइंस पे. सबसे पहले अगर आप ज़्यादा वज़न है आपका, तो आपको अपनी वेट मैनेजमेंट करनी चाहिए. आपके वज़न को थोड़ा कम होना चाहिए. उसके लिए आप थोड़े कॉन्शियस होइए अपने चॉइसेस, फूड चॉइसेस में, अपने लाइफस्टाइल में, और वज़न को कम करने की कोशिश कीजिए. क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवरवेट होंगे, ओबीस होंगे, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने में उतना मसला होगा. इसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी. आपको फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए. ऑलमोस्ट 3 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी पर वीक आपके पास होना चाहिए. उसका स्केड्यूल जो कि आप करें, इसके अंदर आप एक डेली रेजीम बना सकते हैं, यानी आप 7 दिन थोड़ा थोड़ा 20 से 25 मिनट कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, या 5 डेज अ वीक या 6 डेज अ वीक के लिए प्लान कर लें, ऑलमोस्ट 3 आवर्स पर वीक. इसके अंदर आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं. चहलकदमी को मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी. ब्रिस्क वॉक जिसमें आप थोड़ी एनर्जी अपनी यूज़ करें, आपको थोड़ा पसीना आए, थोड़ा सांस चढ़े. इसके अलावा आप एरोबिक्स कर सकते हैं. अगर आप स्विमिंग करना जानते हैं, ऑप्शन है आपके पास, नथिंग लाइक इट, आप स्विमिंग कर सकते हैं. कुछ और कार्डियो एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, पर अपने आप को फिज़िकली एक्टिव बनाइए. इससे आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे बहुत जल्दी और बहुत अच्छा असर पड़ेगा इंशाल्लाह. अब डाइट की तरफ अगर आ जाएँ, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहले तो ये है कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर हम ब्रेड को शामिल करते हैं, रोटी को, पास्ता यानी मैकरोनीज, नूडल्स, इस तरह से ये चीज़ें, आलू, चावल और भी कुछ सीरियल्स, ये हम कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल करते हैं. इनकी अमाउंट को आपने कम करना है, कंट्रोल करना है, ताकि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सके. इसके अंदर इन चीज़ों की बेटर वैराइटीज़ चूज़ कीजिए, जिसके अंदर आपको ज़्यादा फाइबर मिल रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल होल ग्रेन आप ले सकते हैं, ब्राउन राइस आप ले सकते हैं,
पोटैटोज़ की जगह स्वीट पोटैटोज़ ले सकते हैं। इस तरह की चॉइसेस करने से आप अपने उसको बेहतर कर लेंगे, ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर। जितना फाइबर ज़्यादा होगा आपके कार्बोहाइड्रेट चॉइस में, वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा असर करेगी, आपकी प्रॉब्लम्स और भी उससे मेंटेन हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में आ सकते हैं। इसलिए हाई फाइबर डाइट और हाई फाइबर चॉइसेस अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है। फैट का अमाउंट आप अपने उसमें कम कीजिए, ये आपकी वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होना है जो फैट आप अपने उसमें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत सारी फर्क जगहों पे आपके ऊपर बुरा असर डाल रहा है। आप ज़्यादा सब्जियां खाइए, ज़्यादा फल खाइए। फल सब्जियां खाने का मतलब यह है कि आप ताज़ा खाइए उन्हें, जूस पीना फल सब्जी खाने के बराबर नहीं है। इसलिए मैं आपको कभी भी ये ऑप्शन नहीं दूंगी कि आप फ्रूट जूसेस पी लीजिए, चाहे वो आप फ्रेश हैं चाहे घर में निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं है फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने की। कुछ फल ऐसे हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके बारे में जब मैं डिटेल में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ऑडियो करेंगे तो मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन कुछ ऐसे चॉइसेस हैं जो आपको जनरली पता भी होंगे, जैसे आम, ग्रेप्स वगैरह, और भी कुछ हैं जिनको आप इतने खुले मकदार में नहीं खा सकते, कदरे कम खाना होगा आपको। लेकिन अपने मीठे की जो आपको एक ज़बान पे मीठा रखने की एक आदत या वो एक होती है, चाहत हो रही होती है, उसको आप फ्रूट के उसके ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। वेजिटेबल्स खाइए, सैलड्स खाइए, आपको फाइबर भी देगा। इसके अलावा आप ज़्यादा दालें, बीन्स, ये चिकपीज जिसे हम कहते हैं, चने, काले चने, सफ़ेद चने, ये शामिल करें। इससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल होगा, आपके बॉडी फैट्स भी कम होंगे। इसके अलावा आप फिश चूज़ कीजिए, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन आपके, और जो फैट ये फिश प्रोवाइड कर रही होती हैं उसमें अच्छी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए भी हेल्दी हैं, आपके डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। शुगर की जो आप वैसे चीनी डाल के खाते हैं चीज़ों पे, चाय में डाल के पीते हैं, उसको कम कर दीजिए, कोशिश कीजिए ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि शुगर और भी बहुत सारी जगह पे एडेड होती है जो आप चाहते ना चाहते अपने जिस्म में डाल रहे होते हैं। कोशिश कीजिए वैसे चीनी डाल के चाय पीना बंद कर दीजिए, फिजी ड्रिंक्स को भूल जाइए, जूसेस को भूल जाइए कि वो आपके लिए बने हैं, वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, एक हेल्दी इंसान के लिए भी अच्छे नहीं है, तो आपके लिए तो हम बिल्कुल नो विद कैपिटल NNO हम उसको कहेंगे। प्रोसेस्ड फूड्स जितनी भी प्रेजेंट हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हम कहते हैं जैसे रेडी टू ईट, अगर चिकन की कुछ बने चीज़ मिल रही है, पैटीज़ हैं या कुछ सॉसेजेस हैं या कुछ, इसके अलावा भी अगर कोई प्रोसेस्ड फूड आपको मिल रही है यानी पैक्ड है जिसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज है, आपको वो नहीं लेनी, क्योंकि ऐसी चीज़ें जैसे अगर टेंड फ्रूट्स हैं या कुछ भी, ये चीज़ें उनमें क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये चंद बातें थीं जिनको आप थोड़ा सा दिमाग में रख के अपने लिए बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए ताकि आपका बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डायबिटीज़ की वजह से हो रहे हैं वो रिलीज़ होते जाएं। ये थोड़ी सी बातों पे नज़र रखते हुए आप एक स्टेप ले सकते हैं टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। ये एक स्टार्ट है, ये सब एकदम से नहीं होगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया देने का मकसद ये है कि आपको इस तरफ जाना है। और अपने लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट मत कीजिए, रोज़ एक काम को बेहतर करने की तरफ जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप ये सब इकट्ठा शुरू करके और फिर चंद दिन बाद छोड़ दें। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको समझ आई होगी कुछ बातें ऐसी जो कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहेंगे, और आप इंतज़ार करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑडियो का जो कि डायबिटीज़ पे होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।